हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं माय स्मार्ट ऐप। दोस्तों, आज इसकी वीडियो में हम बताएंगे कि आप वीडियो के पीछे जो है ब्लर इफेक्ट कैसे डाल सकते हैं काइनेमास्टर को यूज़ करके। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने माय स्मार्ट ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया और फिर जो ऐप के बारे में या मोबाइल इंटरनेट के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी मौका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपके पास काइनेमास्टर होगी तो आप उसे ओपन कर ले, अगर नहीं है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगी। आप सिंपली लिंक पर क्लिक करके इस ऐप को अपने मोबाइल पर इंस्टॉल कर सकती हैं। तो यहाँ आप एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करें और आप किसी भी प्रकार की वीडियो की जो है आप ब्लर इफेक्ट डाल सकती है। तो मैं सिंपली एक वीडियो पे डाल के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो स्लो मोशन वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था उसी पे। तो ये थोड़े से लोड होने में थोड़े से टाइम लग सकता है, तो थोड़े से वेट कर लीजिए। तो यहाँ ये वाला वीडियो है, तो चलिए वीडियो को हमने इम्पुट कर लिया, तो चलिए अब इसे प्ले करके दिखते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, वीडियो तो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन पीछे जो है बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है, इसे हमें ब्लर करना है। तो यहाँ एक लेयर के ऑप्शन है, आप सिंपली लेयर पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ इफेक्ट्स के ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें और यहाँ देख सकते हैं इफेक्ट्स। तो सबसे पहले यह दो टाइप की है, आप एक को सिलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद आपको यहाँ टिक कर देना है और आप जितनी वीडियो है उतनी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक सेटिंग का आइकन होगी, आप सिंपली सेटिंग पे क्लिक करें और इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए ब्लर को। ओके, आप देखिए आप जितना रखना चाहते हैं आप उतना इसको रखें। ओके, और उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आपको मिल जाएगी क्रॉपिंग की, तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें, मास्क पर क्लिक करें और यहाँ आप एक साइज़ को सिलेक्ट कर लें। ओके, और उसके बाद यहाँ देख सकते हो जो आप फिर से क्लिक करें यहाँ क्रॉपिंग की और नीचे यहाँ एक लाइन है दिख रहा है आपको, इसको आपको थोड़ा खींच के इधर कर देना है तो इसकी जो मार्क है वो आपको नहीं दिखेगी। ओके, तो ये एक साइड हो चुका है। अब चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं राइट साइड पे जो है ब्लर इफेक्ट आ चुका है, तो अब हमें लेफ्ट पे भी सेम करना है। तो आप इफेक्ट्स पे क्लिक करें, उसके बाद इफेक्ट को सिलेक्ट करें। ओके, उसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा करें और इसकी जगह से इसको सेट कर दें। उसके बाद क्रॉपिंग की एक ऑप्शन है, आप सिंपली इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर लें, स्पेस आप इसे बढ़ा लें और उसके बाद टिक कर दें, ब्लर इफेक्ट क्लिक करें, जितनी वीडियो आपकी है उतनी आप इसे सिलेक्ट कर लें। ओके, उसके बाद कॉपिंग पे जाइए और इस लाइन को आप खींच देना है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ी सी बैक हो गया, तो हाँ अब ठीक है। तो इसको पूरी खींच देना है आपको, उसके बाद आपको टिक पे क्लिक कर देना है। तो अब चलिए प्ले करके देखते हैं। ओके, तो और एक काम करना है, यहाँ देख सकते हैं इस ब्लर जो जब वीडियो ये पास पे आते हैं तो इसकी चेहरा जो है वो भी ब्लर हो जाता है, तो इस साइड की जो है ब्लर है वो हो रहा है। तो यहाँ एक चाबी के आइकन आपको दिख रहा होगा, इस पर आप सिंपली क्लिक करें और आप राइट हैंड से आपकी वीडियो को जो पॉज करें प्ले करें और देख सकते हैं अभी यहाँ थोड़ी सी ब्लर लग रहा है तो इसको हमें थोड़ी सी पीछे कर देना है। ओके, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब और एक बार प्ले कर लेते हैं। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गया है, अगर आप देख सकते हैं तो लेफ्ट और राइट पे जो दोनों ब्लर इफेक्ट मैंने डाली है तो राइट साइड पे थोड़ी ज़्यादा ब्लर है और लेफ्ट पे जो है वो थोड़ी कम है, तो इससे हमें थोड़ी ज़्यादा करनी है। तो सेटिंग पे जाइए और ब्लर इस लाइन को थोड़ा सा खींच लीजिए। ओके, तो ये दो जो है सेम हो गया। तो इसी तरह आप भी अपनी वीडियो पर, कोई भी वीडियो पर आप ब्लर इफेक्ट डाल सकती है। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कोई फ़ायदा मिला होगा, अगर फ़ायदा मिला है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, जो वीडियो एडिटिंग करती है काइनेमास्टर से। और अभी तक अपने माय स्मार्ट ऐप को सब्सक्राइब नहीं किया और आप एडिटेड ऐप के बारे में या मोबाइल इंटरनेट के बारे में या एडिटिंग के बारे में आप जानना चाहते हैं तो अभी मौका है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, फिर मैंने एक छोटा वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।